वाली है, लेकिन वेरी स्वीटली डिज्नी ने मेरे लिए और मेरे बच्चों के और उनके फ्रेंड्स के लिए आज ये स्क्रीनिंग रखी है, क्योंकि आज से उनकी ईस्टर हॉलीडे शुरू होती है और हम सब बाहर जा रहे हैं छुट्टी पे. सो वी वॉन्टेड टू सी द मूवी, द किड्स रियली वॉन्टेड टू सी इट. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डिज्नी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस फॉर अस. आई थिंक हम तो आई स्टार्टेड रीडिंग व्हेन आई वाज 5 ईयर्स ओल्ड. तो सिंड्रेला, स्नो वाइट, आई थिंक द फर्स्ट एनिमेटेड पिक्चर जो मैंने देखी थी वो स्नो वाइट थी, डिज्नी की थी. एंड आई एम हैप्पी दैट दे री इन्वेंटिंग ऑल द ओल्ड स्टोरीज. और इस तरह ये जनरेशन जो है बच्चों का, उनको सारी फेरी टेल्स वापस देखने मिलती है. आई थिंक बच्चों में फेरी टेल्स का ज़माना कभी नहीं जा सकता. हम आप ऐसे बोलें क्योंकि हम अब बड़े हो गए हैं, बट इफ़ यू आस्क माई किड्स एंड ऑल देयर फ्रेंड्स, दे एब्सोल्युटली लव वॉचिंग ऑल डिज्नी मूवीज. दे लव वॉचिंग सिंड्रेला, फ्रोज़न, इनटू द वुड्स, जो मतलब हमारी जनरेशन में साउंड ऑफ म्यूजिक होती थी. क्या बोल रहे हो भाई साहब, आप बोलो. बहुत अच्छा. मैं ये बता दूं, लेकिन सिंड्रेला एनिमेटेड फिल्म नहीं है, ये लाइव एक्शन फिल्म है. ओके, बट फिर डिज्नी की अगर बात करें, जो स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन करते हैं, जिस तरीके से वो जोड़ते हैं, एब्सोल्युटली. आपको लगता है कि यहाँ इंडियन मूवीज में भी ऐसा आना चाहिए? आई थिंक आना चाहिए, लेकिन अब डिज्नी इंडिया आ चुका है, तो आई थिंक वी कैन लीव इट टू देम टू गिव अस द बेस्ट क्वालिटी फिल्म्स दैट किड्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लव. डेफिनेटली इंडिया में आना चाहिए, बट आई एम हैप्पी दैट डिज्नी इज हियर. आई थिंक दैट एज आई ऑलवेज से कि हम बहुत जल्दी सब चीज़ को बैन करना चाहते हैं, सेंसर करना चाहते हैं, रेटिंग सिस्टम होना चाहिए. हम आई थिंक आई एम एन एडल्ट एंड आई एम केपेबल ऑफ वॉचिंग बैड वर्ड्स विदाउट थिंकिंग दैट माई कल्चर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. सो कीप इट अ एडल्ट्स मूवी एंड लेट पीपल हैव देयर क्रिएटिव से, व्हाटएवर गुड बैड अगली. ओके, थैंक यू.